वेलकम टू अरोमास किचन। आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो मूंग की दाल के दही भल्ले हैं। इसके लिए आपको उड़द की दाल भी ले सकते हैं। ये मैंने मूंग की दाल 2 घंटे भिगोकर इसे मिक्सी में मैंने पीसा हुआ है, तो इसको आपको देखिए पीस का ऐसा पेस्ट बन जाएगा, थिक पेस्ट बन जाएगा। और उसके हमने ऐसे ऑयल में हमने पहले से भल्ले फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। ये लो टू मीडियम हाइट पर आपको पकाना है। ये देखिए ऐसे बन जाएंगे आपके, और इनको उसके बाद आपको पानी में भिगो देने हैं। 10 to 15 मिनट्स के लिए आप इसे पानी में डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखो आपको इस तरह दिखाई देंगे। उधर हमने मिक्सी में पहले से तैयारी की हुई है, दही को हमने मिक्सी में थोड़ा सा इसे हमने लिक्विड फ्राई कर रखा है। ये देखिए मिक्सी में आपने कर लिया। अब हमारे जो भल्ले हैं वो फ्राई हो रहे हैं। इतने देर तक फ्राई हो जाएंगे हम इनको पानी में डाल देंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, फूले फूले। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा, जिससे ये थोड़े फूले फूले बनते हैं। अब देखिए 15 मिनट्स के बाद हमारे जो भल्ले हैं वो इस तरह दिखाई देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये आपको दिख रहे हैं बहुत सॉफ्ट हैं। अब हम इसको बनाने की तैयारी करेंगे। गार्निशिंग के लिए हमने हरी मिर्चें और अदरक को किया हुआ है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और ये हमने इमली की चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी हमें आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगी, मेरी अलग जो दूसरी रेसिपीज़ हैं। अब हम इनको तैयार करेंगे। इनको भल्लों को स्क्वीज़ कर कर आप इसका जो पानी है पूरा स्क्वीज़ करके आप इसको डिश में डिश आउट कीजिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, इसके अंदर लंप्स नहीं होने चाहिए। कोई अच्छे भल्लों की निशानी ये होती है कि उसमें कोई लंप ना बने, तो उसके लिए आप अच्छे फूले फूले फ्राई करेंगे तो कोई लंप नहीं होगी। ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं हमारे भल्ले। और ये आप चाहें तो इसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब भी आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आए आप इनको पानी में दोबारा से इनको थोड़े से भिगोकर फिर दोबारा से आप इसको डिश आउट कर सकते हैं, फ्रीज़ भी किए जाते हैं ये। अब हम इसके अंदर अपना दही डालेंगे। ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है, इसमें हमने दही डाल दिया है। बहुत ईजी है ये बनाने, कोई भी बना सकता है, और 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे इमली की चटनी से। ये देखिए इमली की चटनी बना दी हमने। आप चाहें तो जो लोग मीठा पसंद नहीं करते वो चटनी ना डालें, सिर्फ मसाला डालकर खा सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। लेकिन इसका अपना ही फ्लेवर होता है इमली की चटनी का। अब देखिए इसमें इमली की चटनी डालने के बाद हमने इसे डेकोरेट कर दिया है, और गार्निशिंग करेंगे हम इसे हरी मिर्चों के साथ और जिंजर के साथ। जुवेनाइल स्टाइल में काटी हुई हमने जिंजर, और हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे। चाट मसाले का फ्लेवर ना हो तो दही बड़े का मज़ा ही नहीं आता। ये हमने आप इसे रमज़ान में बनाइए, ईद पर बनाइए, कहीं पिकनिक पर जाना है जब बनाइए, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं।